हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यूजीसी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी का रिजल्ट है उसे अनाउंस किया है। तो वे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी जो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी का जो फॉर्म है उन्होंने फिलअप किया था, तो उसका जो नोटिफिकेशन है रिजल्ट्स का वो आ चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी का, ये कहाँ पे है। तो जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे 2019-20 नेशनल फेलोशिप ओबीसी रिजल्ट, तो आपको सबसे पहले जो विंडो ओपन होगा उस विंडो में सबसे पहला जो सर्च है वो है यूजीसी पब्लिक नोटिस रजिस्ट्रेशन रिजल्ट ऑफ नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो यूजीसी की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इस पर देखिए, जैसे कि लिखा है नोटिसेस एट द रेट यूजीसी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें थ्री कॉलम है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम में क्या है, नोटिफिकेशन। सेकंड में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है 2019-20 के बैच में, और लास्ट क्या है वो गाइडलाइंस। तो हम ये तीनों जो लिस्ट है इसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस पे दे रखा है, देखिए जो फाइल नंबर 44-1/2018, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है 21 मई को ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वे बच्चे जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप किया था और उनका नाम अगर ये जो लिस्ट है उसमें आता है, तो वो क्या करेंगे, जब भी वो पीएचडी में इनरोल होंगे या जो इनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनको जो है फेलोशिप वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर द सिलेक्शन ईयर 2019-20। ओके, तो ये 1920 के बैच वालों के लिए है, बोथ साइकिल जून एज वेल एज दिसंबर, दोनों साइकिल की जो लिस्ट है वो अटैच है इसमें। अब इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु रोल नंबर आर गिवन इन द लिस्ट आर एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप। ओके, तो यानी कि जिनका भी रोल नंबर जो है वो इस लिस्ट में होगा दे आर एबल टू रिसीव द फेलोशिप फॉर कंडक्ट कैरिंग आउट देयर रिसर्च। ओके, चाहे वो एम फिल में ज्वाइन करें चाहे पीएचडी में ज्वाइन करें, उन्हें ये जो फेलोशिप है वो मिलेगी। इसके अलावा जो जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है तो वे इस फेलोशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी, इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखने वाला है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी टेकन एडमिशन फॉर एम फिल ऑफ द पीएचडी थ्रू द रेगुलर एंड फुल मोड इन एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सो ही और सी शुड अप्लाई फॉर फेलोशिप बिफोर 31 जुलाई 2020। ओके, तो अगर आपका नाम जो इस लिस्ट में है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे एक्टिवेट करा ले, और इसे 31 जुलाई 2020 से पहले ही एक्टिवेट कराएं। अदरवाइज अगर आप इसके बाद एक्टिवेट कराएंगे तो आपकी फेलोशिप जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, इसीलिए बिफोर 31 जुलाई 2020 आप इसे एक्टिवेट करा लीजिए। इसके बाद कुछ और भी फॉर्म इसमें दे रखे होंगे, गाइडलाइंस दे रखी हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखे हैं, और साथ ही साथ आपको ये जो एनेक्सर वन दे रखा है जिसमें जो यूजीसी का फॉर्म है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास वेरिफिकेशन फॉर्म है, और हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी है। अब जब तक आप ये वेरिफिकेशन फॉर्म और जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट अगर आप सेंड नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी में यूजीसी को, तो आपको क्या होगा, जब तक आपकी फेलोशिप एक्टिवेट नहीं हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्म दे रखा है जिसमें नेम ऑफ स्कॉलर, डेट ऑफ बर्थ, 12 डिजिट, यूनिक आधार कोड, तो ऐसे करके बहुत से जो कॉलम है वो दे रखे हैं। तो आपको ये कॉलम जो है इसे फिल करना है, फिल करने के बाद आपको ये फॉर्म जो है उसे सेंड कर देना है यूजीसी को। तो इसमें देखिए कुछ और फॉर्म भी है जैसे सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ऐसे करके दो फॉर्म इसमें दे रखे हैं। तो इन दोनों फॉर्म को आपको फिलअप करके अलॉन्ग विद डैट आपका जो भी 12th BSc और MSc का जो भी मार्कशीट है वो सब, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सब इसमें अटैच करके आपको सेंड करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो है दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में दे रखा है रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट। ओके, तो इसमें क्या है, तो इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कमीशन सिलेक्शन अवार्ड ब्यूरो न्यू दिल्ली। तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये लिस्ट जो है 21 मई को ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर आप इसे देखना है तो आप डायरेक्टली इसे यूजीसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए थ्रू यूजीसी नेट हेल्ड इन जून 2019, तो इसके थ्रू 659 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपका जो अवार्ड नंबर या आप कह सकते हैं जो रोल नंबर अगर इसमें है तो आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 659 कैंडिडेट हैं, जो कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम जो जून में हुआ था उससे 659 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। उसके साथ ही साथ और देखते हैं, थ्रू ज्वाइंट सीएसआई यूजीसी टेस्ट हेल्ड इन जून 2019, तो इसमें 150 कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया गया है। उसके अलावा थ्रू यूजीसी
नेट हेड इन दिसंबर 2019, उसमें 578 कैंडिडेट को, और साथ ही साथ थ्रू यूजीसी नेट से एस आई यूजीसी नेट हेल्ड इन दिसंबर 2019, तो उससे 133 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ओके, तो ये क्या है, इसमें अगर आपका रोल नंबर जो है वो अगर इसमें है तो आप ये जो फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड देख लेते हैं नोटिस। थर्ड क्या है, गाइडलाइंस। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी होंगी, तो इस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है अपनी फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए। तो इसमें देखिए दे रखा है कि इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2019, यानी कि जो आपकी फेलोशिप है वो जो है वो इफेक्टिव रहेगी कब से, अप्रैल 2019। ओके, तो अप्रैल 2019 से आपका जो है वो फेलोशिप स्टार्ट होगी, और अप्रैल 2019 से आपको जो है वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल 2019 से आपको जो 5 ईयर्स तक आपको जो पैसा है वो मिलेगा, 2 ईयर JRF का, 3 ईयर SRF का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एलिजिबिलिटी। ऑलरेडी आप लोग एलिजिबल होंगे अगर आपने MSc कंप्लीट कर रखा और PhD में ज्वाइंड है। इसके साथ ही नंबर ऑफ अलॉट स्लॉट्स फॉर फेलोशिप, तो देखिए इसमें जो नेशनल फेलोशिप की जो सीट्स है वो बढ़ा दी गई, यानी कि जो टोटल सीट्स हैं वो है 1000 पर ईयर। आउट ऑफ 1000 स्लॉट्स अवेलेबल इन द स्कीम, 750 एलोकेटेड विल बी सब्जेक्ट एंड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, यानी नेट JRF, यानी 750 जो सीट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में वो किसे दी गई हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है या नेट JRF। ओके, और द रिमेनिंग 250 जो सीट्स हैं वो UGC और CSIR के बच्चों को, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है साइंस स्ट्रीम के लिए। ओके, अब ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप देख लें, तो MPhil का 2 ईयर्स। ओके, SRF नहीं होता है MPhil में क्योंकि इसका ड्यूरेशन ही 2 ईयर्स होता है। वहीं अगर PhD की बात करें तो टोटल फेलोशिप वो आपको 5 ईयर्स तक मिलेगी, जिसमें 2 ईयर्स JRF का रहेगा और रिमेनिंग 3 ईयर्स SRF का। तो ऐसे ही MPhil पर PhD में भी 5 ईयर्स जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें 2 ईयर्स JRF और 3 ईयर्स SRF। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो MPhil और PhD का डुअल डिग्री आप कर रहे हैं तब भी आपको जो फेलोशिप है वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही मिलेगी। अब फेलोशिप का रेट देख लेते हैं, जैसा कि जो फेलोशिप है वो रिवाइज की गई है, तो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस वालों के लिए 31,000 पर मंथ है 2 ईयर्स के लिए, और रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए यानी कि SRF के लिए आपको मिलेगा 35,000। ओके, कंटीजेंसी की बात करें तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए 10,000 पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 20,500 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। अगर साइंस वाले बच्चों की बात करें तो 12,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर एंड 25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। ओके, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, बता चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि UGC नेट JRF और CSIR नेट JRF एग्जाम की बेस पे जो है ये मेरिट तैयार की गई है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि सब बच्चों को जो UGC OBC फेलोशिप है वो अवार्ड किया गया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद आप अपनी फेलोशिप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिफोर 31 जुलाई को आप इसे एक्टिवेट करा लीजिए, ताकि आप इस फेलोशिप का लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।